तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख पढ़ो समझ सकते हो। ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों आपसे अंग्रेजी में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि आपको पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहां से इसको देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होंगे और देखिएगा टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आज 8 होंगे। टाइम दिया जाएगा दोस्तों आपको 3 घंटे का और देखिएगा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 75 अंक का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलेगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपकी पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इसके लिए दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलेगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और जल्दी से दोस्तों आप सभी को इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। देखिएगा गौतम बुद्ध का अर्ली का नेम यानी कि बचपन का नाम क्या था, तो देखिएगा दोस्तों उनका नाम था सिद्धार्थ। तो आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ उनका गौतम बुद्ध का नाम आ जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डिड गौतम बुद्धा विटनेस विल हंटिंग। देखिएगा इन्होंने किन को देखा था, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है सफरिंग ऑफ द पीपल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सफरिंग ऑफ द पीपल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से इसको क्वेश्चन देख सकते हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी लिखा है गौतम बुद्धा स्टडीज़। तो देखिएगा यहाँ पर जो सी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको लिख लेना है हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला राइट आंसर हुआ दोस्तों इसका, ये आपको लिख लेना है हिंदू स्क्रिप्चर्स। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पाँचवें नंबर का गौतम बुद्धा सो ए बिगनिंग फॉर आल्प्स। देखिएगा दोस्तों इसमें आपको लिख लेना मोंक, इसमें आपको मोंक लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। तो देखिएगा दोस्तों इनको कहते हैं, यहाँ पर आपको मैं लिख के बता रहा हूँ इसकी स्पेलिंग ई एन और इसके बाद में इंग्लिश, इस हिसाब से ये लिख लेना आपको इंग और इसके बाद में यहाँ पे जी आएगा आपका, ये अक्षर नहीं आएगा वैसे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको मैं लिख के बता रहा हूँ ई एन और इसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिएगा एक बार पुनः लिखते हैं इसको, इसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से है ई और इसके अलावा ये और इसके अलावा इनलाइटमेंट हो जाएगा, ये इनलाइटनमेंट। तो ये आपको इस हिसाब से लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसी के अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर ये पैसेज आपको दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, टुडे मैनी वेरिएट्स ऑफ द टी आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है इसमें आपको लिख लेना पहले नंबर का चाइना एंड फार ईस्ट। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना चाइना एंड फार ईस्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है तो यहाँ पे आपको लिख लेना टी सेरेमनी, ये इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में आपको लिख लेना ओलाइव कलर्ड।
और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया डी नंबर का क्वेश्चन, इन मोरक्को ग्रीन टी इन द इन्फ्यूज्ड विद द फ्रेश प्लग्ड। तो देखिएगा डी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको मिंट लिख लेना है, मिंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें से आपको दोस्तों लिख लेना मेसी। क्या लिख लोगे दोस्तों आप इस जगह पे? मेसी आपको यहाँ से लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से इसको तैयार कर लें। और उसी के अलावा सेक्शन बी दिया गया है, सेक्शन बी में दोस्तों आप सभी से नोट मेकिंग समरी को पूछा जाएगा। नोट मेकिंग समरी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप आसानी से यहाँ से नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक। और उसके अलावा ये एक लेटर पूछा गया है, आप चाहे जो आपको लिख सकते हो यहाँ से। इस हिसाब से दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आपसे सॉल्यूशन आपको बना लेना है यहाँ से। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये एक इस तरह का पिक्चर दिया जाएगा और इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ लिखना है। तो आप सभी लोग इसको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होता है, आप सभी लोग इसको तैयार करना सीख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों सेक्शन सी में आपको ग्रामर दी गई है, तो देखिएगा दोस्तों सेक्शन सी की ग्रामर को आपको कैसे हल कर लेना है। पहला लिखा है माई मेड हैज द फ्लोर, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है इसमें आपको लिख लेना वाज्ड, माई मेड वाज्ड द फ्लोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन वी स्पीक्स द ट्रूथ, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा शुड, वी शुड स्पीक्स द ट्रूथ। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन फ्रॉग आर जंपिंग द रिवर, तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ से आपको लिख लेना है इन टू, क्या लिख लेना है इन टू द रिवर, रीता इज टेलर गर्ल ऑफ आवर क्लास। तो देखिएगा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको दोस्तों क्या लिख लेना है, तो देखिएगा इज द टेलेस्ट, तो इसमें आपको दोस्तों द आ जाएगा। और उसके अलावा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग, तो देखिएगा इसमें आपको दोस्तों सिंस लिख लेना है। इसके अलावा दोस्तों छठे नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा इज, इसमें आपको क्या लिख लेना है दोस्तों इज आ जाएगा, फिजिक्स इज नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। उसी के अलावा चिल्ड्रंस फुटबॉल इन द इवनिंग, तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है प्ले, इस जगह पे आपको प्ले लिख लेना है। देखिएगा इस आधार पर आपको इसको तैयार कर लेना दोस्तों। और उसी के अलावा यहाँ से क्वेश्चन नंबर आठ में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इनको भी तैयार कर लें। देखिएगा दोस्तों आपको अगर डू एज डायरेक्टेड बनाना नहीं आते हैं तो देखिएगा उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पर आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को डू एज डायरेक्टेड कैसे बनाते हैं वो बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर जो आई बटन नज़र आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सभी लोग दोस्तों डू एज डायरेक्टेड को बनाना सीख सकें। दोस्तों इसको सबको समझ लेने के बाद में अब यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस सेक्शन सी में दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोएम, तो देखिएगा इसका पहले का राइट आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे फॉरेस्ट। और उसके अलावा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपका ए नंबर का आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको लिख लें। और उसी के अलावा दोस्तों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें आपको यहाँ से ये लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इस हिसाब से आप सभी को इसको लिख लेना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है इसमें से दोस्तों आपको इसके उत्तर तैयार कर लेने हैं। तो चलेगा दोस्तों जल्दी से हम इसको तैयार करते हैं कि किस हिसाब से दोस्तों आप सभी को इनके उत्तर को तैयार कर लेना है। ये एस्ट्रिक्ट होंगे दोस्तों जो कि आपके पोएम से ही लिए गए हैं। तो चलेगा दोस्तों हम जल्दी से इसको तैयार करते हैं कि किस हिसाब से दोस्तों आप सभी लोग इसको तैयार कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है आइंस्टाइन वाला पूछा गया है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर का होगा दोस्तों तो फर्स्ट का राइट आंसर तो आपका लेटर हो जाएगा, आप सभी लोग इसके ऊपर देखिएगा आइंस्टाइन वाइज। तो देखिएगा ये जो दिया गया यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया दोस्तों आइंस्टाइन वाला पैसेज, इसके राइट आंसर आप सभी को यहाँ से बना लेने हैं, लिख लेने हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड
देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डिड आइंस्टाइन प्रोमोटिंग ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल करियर, तो देखिएगा पीस एंड ऑफ आर्म्स बिल्डिंग। तो देखिएगा आप सभी लोग इसको तैयार कर ले यहाँ से, और उसी के अलावा दोस्तों आगे देखते हैं ये कुछ और क्वेश्चन यहाँ से आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। ए टू जेड क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको तैयार कर लेंगे, और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर ये पोएम आपसे पूछी जाएगी, ये भी आपको दोस्तों तैयार कर लेनी है। और उसी के अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपके ही पेपर में छपे हैं दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग इनको नोट कर लें यहाँ से। ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर से ही यहाँ पर ये पूछे गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिविज़न कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में इस हिसाब से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सेपारिस एंड वाई, तो आप सब लोग यहां से इनको तैयार कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में इस हिसाब से पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहां से आपको दिखाया है। देखिएगा दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।